Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna talk about different methods of removing facial hair. यानी कि वो कौन से different method हैं जिनसे आप अपने facial hair को remove कर सकते हो. So there are different methods of removing facial hair. So in this video, I'm gonna talk about only that methods which I know very well. यानी कि इस video में हम बात करेंगे सिर्फ उन्हीं methods के बारे में जिनके बारे में मैं खुद अच्छे से जानती हूँ और आपको बता सकती हूँ. Before starting the video, there is a disclaimer. If you are really satisfied with your facial hair, then there is no need to see this video. This video only for those who really want to remove their facial hair. So without any further ado, let's get started. So the first method of removing facial hair is this wheat hair removal cream. Yeah, I see a lot of YouTuber using this cream for removing their facial hair. यानी कि मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा कि इसको लोग यूज़ कर रहे हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए. सो मैंने सोचा कि मैं भी इस मेथड को ट्राई करती हूँ और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बता सकूँगी. जस्ट डू अ लिटिल पैच टेस्ट ऑन माई नेक, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट स्टार्ट्स बर्निंग. सो आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू अबाउट दिस वीट हेयर रिमूवल क्रीम. नाउ इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू दैट यू यूज दिस मैथड और नॉट. सो अगर आपको फिर भी ये वाला मैथड यूज़ करना है, देन मेक श्योर यू डू अ पैच टेस्ट. सो द नेक्स्ट मैथड ऑफ रिमूविंग फेशियल हेयर इज दिस स्लीक हॉट वैक्स फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड स्लीक. आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो. अगर बात की जाए मेरी एक्सपीरियंस की इस वैक्स के साथ, तो मैं इसको 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ अपनी मतलब लाइफ में. Talking about the good side of waxing is it is very helpful in removing the tan from your face. Like ये tan को बहुत अच्छे से remove कर देती है, जो भी आपको sun से थोड़ी बहुत tan. जो skin इसका good point ये है कि बालों को बहुत ही अच्छे से smoothly निकाल देती है पूरे face से. कोई भी छोटा मोटा hair आपके face पे नहीं दिखता after waxing. The third benefit of waxing is कि your skin looking very soft and smooth after doing the wax. So these are all the good points which I noticed. And now talking about the bad points. So सबसे पहले बुरी चीज़ मुझे जो लगी वो ये कि इससे जो है skin sagginess के chance रहेंगे. Like अभी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप बहुत बार वैक्सिंग यूज़ करते हो, लाइक आफ्टर एवरी मंथ, तो आपको क्या है अपनी एज के साथ धीरे धीरे स्किन सैगनेस के चांस दिखेंगे. स्किन आपकी लटक जाएगी, एंटी एजनिंग के साइंस जो है आपके फेस पर जल्दी दिखने लगेंगे. एंड बैड पॉइंट इज़ दैट कि आपके फेस के जो हेयर है इनको बिल्कुल अंदर से निकालता है, लाइक फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे हेयर के, उनको अच्छे से पूरे अंदर से रिमूव करता है, जिस वजह से क्या होता है हमारे हेयर की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो सकती है पहले से ज़्यादा. टॉकिंग अबाउट द वेरी बैड पॉइंट ऑफ एनी वैक्सिंग कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है. लाइक फेस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट. सो यहाँ पर जब हम वैक्स यूज़ करते हैं, एक तो वो इतनी हॉट होती है, एंड देन जब वो हमें उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना होता है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. सो फ्रॉम माई साइड आई गिव 3 out of 5 फॉर दिस मैथड. नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड मैथड विच आई शो हेयर एंड देयर और समवेयर ऑन द स्क्रीन. या आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजर ट्रीटमेंट्स. लाइक इफ यू गर्ल हैव अ लॉट ऑफ फेशियल हेयर और अ लॉट ऑफ हेयर इशूज, देन यू कैन गो फॉर अ डर्माटोलॉजिस्ट. बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो किस वजह से ज़्यादा है या क्या फैक्टर्स हैं इससे. सो फर्स्ट थिंग इज हेरिडिटी. लाइक इफ योर पेरेंट्स आर वेरी हेयरी, देन देर इज अ चांस कि आपके फेस पर जो हेयर की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सकती है. मे बी लाइक सेकेंड थिंग इज मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज लाइक PCOS और PCOD. लाइक आई ऑल्सो सफर फ्रॉम PCOS. तो इस केस में क्या हुआ कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि मेरे जो हेयर की ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सडनली आपकी जो फेस की हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लगती है, देन यू कैन गो फॉर अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड डू सम टेस्ट. आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, देन मेक श्योर यू डू अ ट्रीटमेंट और पूरा अपना प्रॉपर डाइट का ध्यान रखें. तो उससे क्या होगा, आपकी नेचुरली जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी. अगर आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है और जो आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ है वो नेचुरल, देन यू कैन गो फॉर अ लेजर ट्रीटमेंट. लाइक इट इज़ अ हाई एंड ट्रीटमेंट. For one sitting, I think your dermatologist or any skin specialist charges between 2,000 to 3,000. So ये वाली प्रोसेस वही लोग कर सकते हैं फॉलो जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हो एंड देन योर हेयर आर गॉन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. For normal hair growth, you have to take at least, I think, 4 to 5 sittings. And for medium hair growth, you need a 7 to 8 sitting. And for a very hairy people, they need 10 to 12 sittings. तो उनके हेयर जो है वो रिमूव होने के चांसेस हैं. और आपकी जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो किसी वजह से, लाइक किसी डिसीज़ की वजह से या कोई मेडिसिन आप इनटेक कर रहे हो उसका रिएक्शन है, तो आपको जो है वो लेजर ट्रीटमेंट भी कोई असर नहीं करेगी. लाइक असर करेगी कुछ समय के लिए, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो हेयर की ग्रोथ है वापस से होने लगेगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्योर दैट डिसीज़ फर्स्टली एंड देन यू कैन go for a laser treatments if you really afford that treatments. So now talking about the third and the best method which I personally like to use a lot is these facial razors. लाइक एवरी वन कैन अफोर्ड दिस फेशियल रेजर. लाइक बात की जाए इसके गुड पॉइंट्स की, तो फर्स्ट जो उसका गुड पॉइंट वो ये है कि इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. लाइक
अभी मैं प्रॉपर वो वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मैं आपको क्लोजअप दिखाऊँ कि किस तरह से आपको अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना है। एंड सीरियसली अभी मेरे फेस पे कोई फेशियल हेयर है भी नहीं, तो अगर आपको उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी देन आई कैन मेक दैट वीडियो। बट अभी के लिए मैं आपको फिलहाल इसके यूजेस बता रही हूँ। इसको यूज़ करना बहुत ईजी, आपको सिंपली अपना फेस वॉश करना है, यू नीड अ क्लीन फेस फॉर दिस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लाइक ये ऐसा मैथड है जिसको आपको हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। लाइक अगर आपकी हेयर की डायरेक्शन, मोस्ट लोगों के हेयर की डायरेक्शन इसी तरह से होती है, लाइक नीचे की तरफ होती है, तो आपको क्या करना, हल्का हल्का सा जो है आपको ये जो रेजर है ऐसे चलाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल सारे निकल जाएंगे विद दिस प्रोसेस बिकॉज इट इज़ पेनलेस। और आपके अपर लिप्स के हेयर को निकालना इतना ईजी हो जाएगा, आप खुद अपने अपर लिप्स के हेयर इतने ईजिली निकाल पाओगे, लाइक बस इस तरह से आपको अपने फेशियल के मतलब कहीं से भी आप अपने फेस के हेयर को रिमूव कर सकते हो। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, इट इज़ अ ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट। लाइक अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो आप आराम से इनको लेके जा सकते हो, लाइक आपको तीन लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप एक लेके जा सकते हो एंड यू आर सॉर्टेड। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आप फेस पे रेजर यूज़ करते हो तो आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिन लोगों से भी मैंने कभी डिस्कस किया इस बारे में, आई डोंट फील लाइक दैट कि उनके हेयर की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गई है। जो हेयर होते हैं वो अंदर तक होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो फॉलिकल्स होते हैं वो अंदर तक होते हैं। जो रेजर होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ हमारे अपर लेयर यानी कि जो ऊपर ऊपर हेयर दिख रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को रिमूव करता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो हेयर की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। द वन मोर गुड पॉइंट, इट मेक्स योर स्किन वेरी सॉफ्ट, स्मूथ एंड प्लम्पी। लाइक जब भी मैं रेजर यूज़ करती हूँ मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। सो आई थिंक आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरी मेथड, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू विच मेथड यू लाइक द मोस्ट और विच यू रियली वॉन्ट टू यूज़ फॉर रिमूविंग योर फेशियल हेयर। एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है जो मेथड मेरे लिए वर्क कर रहा है वो आपके लिए भी करे, और ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए वर्क नहीं किया वो आपके लिए भी नहीं करे। सो बिफोर यूजिंग एनी मेथड यू मस्ट डू अ पैच टेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन। सो यार, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।